done. चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM. फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो अपना चैप्टर नंबर 1 बाकी है उसके लिए मैं अलग लेक्चर शूट करूँगा, बोर्ड पे नहीं बता सकता क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको मैं नोटबुक पे एक लेक्चर बना के आपको भेजूँगा. बट ये होने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. पहले ईजी ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए ईजी हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM. तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और LCM क्या होता है? लीस्ट, या तो आप उसको लोअर भी बोल सकते हो, कॉमन मल्टी. तो आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या है, और हाईएस्ट को आपको पता है बराबर. लीस्ट का मैंने बोला लोअर भी बोल सकते हो, अगेन कॉमन आएगा, और मल्टीपल तो आपको पता है. ठीक है, तो हाईएस्ट के बारे में आपको बताना है. हाईएस्ट मतलब क्या आएगा? सबसे बड़ा. बट यहाँ पे क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे हम लोग नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो नंबर में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर लो, उसमें क्या आना चाहिए? कॉमन. और फैक्टर मतलब एक एग्जांपल 10 लेता हूँ तो आपका 10 नंबर आएगा कैसे? 2 5 10, तो आपको कैसे मिला वो 10 नंबर? 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, और मैं 20 लेता हूँ तो 20 बाय अगर लेऊँगा तो क्या आ जाएगा? 5 4 20, राइट? तो 5 और 4 आ जाएगा. तो अगर आप ये दोनों में देखोगे तो कॉमन क्या मिलेगा आपको? 5 बराबर. और क्या कॉमन मिलेगा? 1. तो उसमें हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 5. तो आपका LHCF क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि वो फैक्टर है. उसके फैक्टर मैंने क्या बोला? 2 5 10 और 5 4 20. आया समझ में? हम उसको क्या बोलेंगे? HCF, हायर कॉमन फैक्टर. ये आपको आगे जाके 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में ये यूज होगा. उसके बाद है LCM, लीस्ट या लोअर कॉमन मल्टीपल. सेम हम लोग वही काम करेंगे. एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर लेता हूँ 10 एंड 20. अगर मैं 10 का टेबल लेता हूँ, मल्टीप्लाई मतलब टेबल ही आएगा, 10 1 10 10 2 20, 20 का टेबल लेता हूँ 20 1 20. तो अगर आप देखोगे तो दोनों में मैच क्या कर रहा है? 20 20, राइट? तो आपका LCM क्या आ जाएगा? 20. दोनों में सबसे पहला नंबर क्या मिला आपको? 20. तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई. अंडरस्टैंड, ये बेसिक है. ये आपको बता रहा हूँ कि HCF क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर. और LCM क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करो प्रैक्टिस सेट. इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करेंगे. ओके, देन प्रैक्टिस सेट 10, 1 2 एंड 6 क्वेश्चन लिया होगा. ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इसके बाद हम लोग कर जाएंगे. यहाँ पे क्या बोला है? विच नंबर इज अ नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. तो फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है. प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो खुद के ही टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता. ठीक है, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते. जैसे मैं 2, तो 2 को बना सकता हूँ 1 प्लस 1. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर. अभी यहाँ पे क्या बोला है? विच नंबर इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट. ना वो प्राइम है ना कंपोजिट. और प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से. ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत हो रही है? 2 से. तो कौन सा नंबर बचा? 1. सो 1 इज नॉट अ प्राइम और नॉट अ कंपोजिट. आप बोलोगे सर 0. सो 0 तो नंबर ही नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, राइट? वो ऐसा ये है कि किसी का वैल्यू नहीं रहेगा तो 0. तो 1 इज अ वैल्यू, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आपका क्या मिलेगा? 1. तो 1 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर. अंडरस्टैंड, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ अ को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर मतलब क्या? आपको जो पेयर्स दिया है वो दोनों में, दोनों भी सिर्फ एक ही टेबल में आने चाहिए, उसके खुद के. 1 के टेबल में तो सब नंबर आते हैं, तो 1 उसका क्या बोलते हैं? फैक्टर का होगा. तो 1 के अलावा उसका कौन सा फैक्टर नहीं होना चाहिए? तो पहले 8 एंड 14, देखो ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते. उसके 4 5, ऑब्वियसली 4 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है. बट 5 के टेबल में आता है, मतलब ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं क्या? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर. तो ये को प्राइम नंबर है. उसके बाद 17 19, ये 17 अपने टेबल में, 19 अपने टेबल में, तो ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम. उसके बाद 27 15,
दोनों थ्री के टेबल में आते हैं तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, दोनों एक ही टेबल में नहीं आना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों ही है जो को प्राइम नंबर है। ओके, उसके बाद सिक्स वन, विच आर द इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर बोला है तो इसका कंसेप्ट आपको जो मैं क्वेश्चन नंबर थ्री फोर एंड फाइव जो सॉल्व करके दूंगा उससे क्लियर हो जाएगा। इसका मैं आपको आंसर दे के रखता हूँ फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इवन प्राइम नंबर होगा आपका इसका टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू से। उसके बाद क्या आएगा, फोर, फिर सिक्स, उसके बाद एट, टेन, ट्वेल्व, ऐसे टू के टेबल में आने वाले। ठीक है, उसमें से सिर्फ टू ही प्राइम नंबर है क्योंकि बाकी जो आगे नंबर है वो सब कौन से टेबल में आएंगे, टू, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री बोला है, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 टू 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। मैंने आपको लिस्ट बना दिया है 26 से लेके 100 तक नंबर लिख दिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं और कितने हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स बताया कि इवन प्राइम नंबर कितने, इवन प्राइम नंबर एक ही है वो जो है टू है, तो आपको यहाँ पे टू का दिख रहा है तो ये सब नंबर कैंसिल होंगे क्योंकि ये टू के टेबल में आएंगे। ठीक है, ये कैंसिल होंगे, उसके बाद ये भी कैंसिल होंगे, ये भी टू के टेबल में आएंगे, उसके बाद ये भी, राइट, उसके बाद ये भी, क्योंकि पीछे देखो एट है, सिक्स है, तो ये सब कैंसिल होंगे, टू कैंसिल हो गया है क्योंकि ये टू के टेबल, मतलब इसको डिवाइड करके टू से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा तो फिर प्राइम नंबर कैसे, प्राइम नंबर खुद के टेबल में आता है, तो यहाँ पे भी होगा 26, 28, 30, टू के टेबल में। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 27 आता है थ्री के टेबल में, कैंसर। ठीक है, 29 नहीं आता है, हम लोग पहले थ्री के टेबल वाले कट करेंगे, 27 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद आएगा 33, ओके, 33 के बाद आएगा 36, 39 और 3 बड़ा 42, 45, उसके बाद आएगा 48, 51, उसके बाद 1, 2, 3, ये भी कैंसर, 1, 2, 3, ये भी कैंसर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सिर्फ काउंट करना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये भी कैंसर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 क्यों काउंट किया, क्योंकि वो थ्री का टेबल है, क्योंकि मैं मुझे 27 पता था 30 आया, क्यों 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, समझ में आया, उसके ऊपर ही। अभी 5 का टेबल भी कैंसिल होगा क्योंकि 5 के टेबल में आएगा, राइट है, ये 5 के टेबल में आने वाला है तो ये भी कैंसिल हो गया। अभी आपके पास है 7 का टेबल, ठीक है, 6 के टेबल का तो 2 से क्या कैंसिल हो गया, तो 7 का टेबल देखे तो 7 5 35, उसके बाद 7 6 42, 7 7 49, अब इसके बाद 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर आया 1 2 3 4 5 6 7, कैंसिल, 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 1 2 3 4 5 6 7, कैंसिल। ठीक है, 8 का क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8 का चुका है। ठीक है, उसके बाद 9 का अगर टेबल लेते हो तो 9 का भी टेबल ले सकते हो, पर 9 के टेबल में भी देखोगे तो 9 1 9, 9 2 20, 9 2 18, 8 आया, 9 3 27, 7 आया, तो 27 तो ऑलरेडी कट है, उसके बाद 36 कट है, काउंट करोगे 36 के बाद क्या आएगा, 45 कट है, फिर क्या आएगा, 54 कट है, फिर क्या आएगा, 54 के बाद 63 बराबर, उसके बाद क्या आएगा 72, उसके बाद क्या आएगा 81, उसके बाद क्या आएगा 90 और लास्ट में क्या आएगा 90, तो कट है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, और 10 के टेबल से तो कट है। अभी यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो सब प्राइम नंबर है, तो आपको फर्स्ट प्राइम नंबर इसमें क्या दिख रहा है 29, उसके बाद क्या दिख रहा है 31, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 37, फिर 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89 और 97। आया समझ में? अभी मैं रब कर रहा हूँ, रब करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको रब इसलिए करके दे रहा हूँ कि समझ में आने के लिए और इजी पड़ जाएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, ये मिल गया आपको प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर क्या क्या दिख रहा है? 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67, 61, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो कितने टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितने टोटल नंबर? 16 है। तो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर मिले? 16। इसके बाद जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको क्या है वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट ऑल द ट्वीन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। ट्विन, ट्विन मतलब ट्विन्स बोला है। ठीक है, 51 to 100 मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको ट्विन्स बोला है तो क्या है? सात में, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे 29 के बाद क्या आता है? 30, 30 इज इवन नंबर, 31 के बाद क्या आएगा? 31। तो ये इसको हम ट्विन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 53 के बाद 55 नहीं है, तो 59 के बाद क्या आएगा? 61, मतलब ये दोनों हो गए, ये पेयर, राइट। उसके बाद 61 के बाद 63 नहीं है, 67 के बाद 69 नहीं है, 71 के बाद 73, ये दोनों 79 के बाद 81 नहीं है, 83 के बाद 85 नहीं है, 89 के बाद 91 नहीं है। तो मतलब टोटल आपको कितने मिले? ये दो ही, कौन सा? 61, 59, 71, 73। समझ में आया? और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके लिए होमवर्क। ओके, थैंक यू।